वैली ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला उत्सव कल से शुरू होगा। 22 नवंबर तक चलने वाले इस वर्चुअल उत्सव में देश विदेश से कई प्रख्यात लेखक और बुद्धिजीवी भाग लेंगे। वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। उत्सव में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी, पर्यावरणविद पद्मभूषण अनिल जोशी, डॉ फातिमा रिजवी समेत अनेक प्रमुख लोग प्रतिभाग करेंगे। वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य एवं कला उत्सव के ऑनररी क्यूरेटर डॉ संजीव चोपड़ा ने बताया कि ये वैली ऑफ वर्ड्स का चौथा संस्करण है, लेकिन इस बार वर्चुअल उत्सव होने के कारण इसका लाभ अधिक लोग उठा सकेंगे। उत्सव में विदेश से भी 10 साहित्यकार जुड़ रहे हैं। देश विदेश के 1,00,000 से अधिक साहित्य व कला प्रेमी लोगों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को देहरादून फिजिकली तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हर सेशन में कम से कम 2,000-5,000 लोग निश्चित तौर पर जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके की इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन में है, जिस तरीके का इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स में है, उसमें आई थिंक वील हैव मच ग्रेटर पार्टिसिपेशन। उत्सव की शुरुआत 20 नवंबर को देहरादून के ऐतिहासिक महत्व पर संवाद के साथ होगी। इस विषय पर अजय शर्मा और डॉ समीर सिन्हा बात करेंगे। वर्चुअल उत्सव में 65 सत्र आयोजित होंगे। साहित्य एवं कला उत्सव में कोविड और इसके प्रभाव पर भी मंथन होगा। उत्सव में प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।